नमस्कार, कैप्टन मिलर। इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, वो भी हिंदी में। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक खूनी होती तो मैं उसे मार चुकी होती। बस तुम उसे मार दो। क्योंकि तुमने बुरे आदमी को माना, जरूर तुम अच्छे आदमी हो। हमारी नजर में एक देश जोड़ी हो, तुम्हारी इसकी पहचान क्या है? तुम किस मकसद से आए हो ये जानने के बाद बता सकता हूँ मैं कौन हूँ। जनता को परेशान करते हैं तो उसमें धनुष कैप्टन मिलर होते हैं, पर वो ऐसे शुरू में दिखाया जाता है वो चेहरे भभूति लगाए होते हैं ऐसे करके पूरे में, और वो बगावत पे उतर आते हैं। बहुत अच्छा, एक मिनट के लिए भी पल के नीचे पक रही थी, इतना अच्छा ट्रेलर था ये। दमदार, जानदार और एक्शन से तो भरा ही था, पर कहीं ना कहीं इसमें सत्य घटना भी दिखाई दे रही थी कि अंग्रेजों के टाइम पे कैसा होता था, कितना अत्याचार करते थे वो हमारे ऊपर। और उसमें से कोई एक कैप्टन मिलर होता है जो हमारी रक्षा के लिए अपने कई रूप बदलता है। कभी वो साधु बाबा बन जाते, कभी कभी बड़े बड़े दाढ़ी रखाए भी दिखाए जाते, शुरू शुरू में दिखाए जाते मिलिट्री मैन होते हैं जो ट्रक में सवार होकर जा रहे होते हैं कहीं। तो ये जो ट्रेलर था ना, बहुत धांसू था और बहुत दमदार था। इस ट्रेलर में जो कैप्टन मिलर बने हुए ना, वो एक तरफ तो कैप्टन दिखाए जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमें लग रहा था जैसे वो डकैत बने हुए होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो घुड़सवारी करते हैं और भेष बदलते हैं और गांव वालों की रक्षा करते हैं, ये आज़ादी से पहले की कहानी दिखाई गई है, बाद की कहानी नहीं है। क्योंकि उसमें जिस तरीके से रो रहे होते हैं लोग, बच्चे रो रहे होते हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं, तो उस टाइम डकैत भी ऐसा करते थे। इसमें डकैत भी बनते हो क्योंकि उन्होंने इनके टेलर में कम से कम 3-4 बार अपना रूप बदला, कभी साधु का, कभी बस में लगाए हुए, कभी दाढ़ी भूस रखा है। वो कहता कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, और बस इतना कह के वो इतनी गोलियां चलाते ना कि वो जो कोठरी के अंदर होता है वो वहीं मर जाता है, और फिर वो सबकी लाशें रख के ले जाते हैं। और एक पुलिस वाला सिपाही होता है, वो कहता है कि तुम जानते हो कि वो कौन है, तो वो कहते हैं कि कैप्टन मिलर। तो उन्होंने एक ही रूप में कई रूपों को निभाया है। ये मूवी ना तमिल इंडस्ट्रीज में धमाका मचा देगी, वैसे भी वहां के वो सुपरस्टार हैं। तो आपको देखने को मिलेंगे धनुष, प्रियंका मोहन,
शिवराज कुमार, सुदीप किशन, विनोद किशन, नासर और एनवर्ड। एनवर्ड कई मूवियों में अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों के लीडर बनते हुए दिखाए जाते हैं। इस मूवी में भी वो अंग्रेजों के लीडर बने होते हैं और उनकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो हमेशा चिल्लाते हैं, हमेशा खिसिया जाते हैं, पर उनकी सुनता कोई नहीं। इस ट्रेलर में भी ऐसे लग रहा था कि वो खिसिया गए, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, कैप्टन मिलर बिल्कुल नहीं सुन रहे उनकी, ऐसा इस ट्रेलर में दिखाया गया। इतना दमदार, इतना एक्शन से भरा होता है। एक बार भभूति क्या होती, भभूति वो जो शिवजी लगाते हैं, वही वाली भभूति ना, वो लगा के अलग अलग रूप धारण करके लोगों को सबक सिखा रहे हैं, और वो बैलगाड़ी में सबकी लाश लग के रख के लेके आते हैं। तो कहते हैं कि भेड़िया शिकार करता है, वो भी घात लगाए बैठा हुआ है और हम भी लेके आए हैं। तो क्योंकि उन्होंने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को बहुत परेशान करके रखा। धनुष ने ईसा नामक एक नेता था जिसकी भूमिका निभाई है, उनका नाम ईसा था। स्थानीय विद्रोह के नेता थे, मतलब अंग्रेजों के विद्रोह में थे, और उनकी भूमिका कि वो कहते हैं ना कि ये इंसान कैसा है, इसका पता उसके चरित्र से चलता है, उसकी बातों से पता चलता है। और एक गांव दिखाया जाता है, गांव में एक खजाना होता है जिसकी रक्षा खुद गांव वाले करते हैं, पर अंग्रेज उनको लूटना चाहते हैं। जब अंग्रेज लूटना चाहते हैं, गांव वालों को तबाह करते हैं ना, तभी धनुष वहां आके खड़े हो जाते हैं और गांव वालों की रक्षा करते हैं। देखना ये है मूवी में कि वो खजाना सरकार तक पहुंचता है या अंग्रेज लूट के ले जाते हैं, क्योंकि डकैत के रूप में भी दिखाए गए, पर वो डकैत नहीं होते हैं। इतना तो हमें ट्रेलर देख के पता चल गया कि वो डकैत नहीं होते हैं। आप हमें ट्रेलर को देख के बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। ये मूवी भी 12/1/2024 को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी और कई भाषाओं में आएगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कई भाषाओं में ये मूवी रिलीज की जाएगी, पर इसका हिंदी में ट्रेलर आया था तो हमने हिंदी में निर्देशन किया है अरुण माथेसरन ने। सत्यज्योति फिल्म द्वारा ये मूवी निर्मित है। मूवी बहुत दमदार होगी, बहुत जानदार होगी। बस हमें इंतजार है कि पोंगल पे, खिचड़ी पे, लोहड़ी पे, मकर संक्रांति पे कौन सी मूवी सुपरहिट होगी, कैप्टन मिलर या अलियान या मिशन चैप्टर वन, कौन सी मूवी सुपरहिट जाने वाली है। क्योंकि तीनों के हमने रिएक्शन दिए और तीनों के हमने ट्रेलर देखे, हमारी बुद्धि में खुद ही नहीं चल रहा है कि कौन सी मूवी सुपरहिट होगी। अलियान का देखा, वो भी नंबर एक की लग रही थी उसका ट्रेलर। मिशन चैप्टर वन का ट्रेलर देखा, वो भी नंबर पर लग रहा था। अब सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें कैप्टन मिलर का ट्रेलर। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि मेरा दिमाग कंफ्यूजन में आ गया है। सबसे अच्छी मूवी कौन सी जाने वाली है, क्योंकि ये मूवी एक ही त्योहार में आएगी 12/1/2024 को। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे कंफ्यूजनदार टीजर और ट्रेलर देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। रिएक्शन वाले लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।